अब बात करते ही हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले की। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कोर्ट ने छात्राओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, लिहाजा स्कूल कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है, छात्र या छात्रा इसके लिए इनकार नहीं कर सकते। फैसला आने के बाद सभी न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस मामले की सुनवाई के लिए 9 फरवरी को चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया। लड़कियों की तरफ से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि क्लास के दौरान उन्हें हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले में 25 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी। साथ ही कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया था। वहीं फैसला आने के बाद धारा 144 लागू कर दी गई और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि इस दौरान प्रदर्शन की खबरें भी सामने आई। तो हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है, इसलिए जो भी स्कूल और कॉलेज की यूनिफॉर्म होगी वही पहननी होगी। ये मुद्दा पैदा ही किया गया था बीजेपी द्वारा, खास तौर पर पूरे देश में एक माहौल जिसपे जमीनी मुद्दों पे चर्चा न हो, मैं समझता हूँ उसी दृष्टिकोण से इसे देखना चाहिए। बीजेपी देखिए चुनाव जीत जाए उनको मुबारक, लेकिन क्या वो चुनाव रोजगार के मुद्दे पर जीते हैं? क्या वो महंगाई के मुद्दे पर जीते हैं चुनाव? ना, वो जीते हैं पूरे समाज में एक जहर बो करके, और ये जहर सबके लिए खतरनाक है। जिस तरह से इस मुद्दे को तूल दिया गया वो पूरे दिमाग को पोल्यूट करने के अलावा कुछ नहीं था। मैंने शुरू से कहा था कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का मुद्दा है कि अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई नियम कानून है उसका पालन करना जरूरी है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने आज अपहोल्ड किया है, पहले केरला हाईकोर्ट भी ऐसे ऑर्डर को अपहोल्ड कर चुका है, एक बार महाराष्ट्र हाईकोर्ट में भी ऐसा आया था मुद्दा। तो मैं मानती हूँ कि अब इसके बाद जो दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति हो रही थी और उस इशू को लेकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा था 5 राज्यों के चुनाव के लिए, उसको अब बंद लगा करेंगे और उस पर पाबंदी होगी। और ध्रुवीकरण फैलाया जा रहा था वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। देखिए ये जो हिजाब को लेकर हरा हंगामा था ये शुद्ध रूप से षड्यंत्रों और साजिशों से भरा हुआ था। किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से अलग किया जाए, उनसे अलग काटा जाए, ये कोशिश थी और वो एक्सपोज हुई है। हिजाब पे प्रतिबंध तो है नहीं भारत में, लेकिन जो अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस के अपने ड्रेस कोड होते हैं, डेकोरम होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, उसको सबको मानना होता है। राजनीति तो हमने नहीं की, राजनीति तो उन लोगों ने की जो लोग कि अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सुरमा कहते हैं। देखिए वो जजमेंट तो पूरा हम नहीं पढ़े, डिटेल जजमेंट अब आएगा, आने के बाद फिर हम उसके ऊपर रिएक्ट करें। लेकिन बीजेपी कर रही है कि जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है इस मसले को लेकर राजनीति की। देखो उनका तो काम हमारे को गालियां देना, हमारे को कमजोर बताना, ये तो उनकी नीति है, वो करते रहेंगे। देखिए कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और हम अपनी अदलिया पे शक नहीं कर सकते हैं, मगर हिजाब हमारे यहाँ धर्म का हिस्सा है, लिहाजा मजहब ने, धर्म ने, हमारे मजहब इस्लाम ने हिजाब को हमारे कंपलसरी बताया है, लिहाजा हमारे यहाँ हिजाब धर्म का हिस्सा है और हर बच्ची, हमारे यहाँ ज्यादातर बच्चियाँ हिजाब पहनती हैं। इसको लेके अब हाई सुप्रीम कोर्ट में मैंने सुना है जिन बच्चियों ने हाई कोर्ट में पिटीशन की थी वो सब सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन आई उन संविधान ने हर हिंदुस्तानी को अपने पसंद के मजहब को इख्तियार करने, उसको प्रैक्टिस करने, उसको प्रोपोगेट करने की पूरी आज़ादी दी हुई है। और लिहाजा और जहाँ तक मजहब का ताल्लुक है तो मजहब में जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया वो जाहिर सी बात है अपने मजहब का इंटीग्रल पार्ट है। हमारा मानना तो यही है कि हर धर्म के लोगों को जो उनकी धार्मिक चीजें हैं उसकी परमिशन उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा संविधान भी इजाजत देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा मजहब का हुक्म है।
लिहाजा हमारा मानना यही है कि कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। बैड ब्लड हैज फ्लोन ऑलरेडी। अभी तो कम से कम ये बंद करो। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से अपील करता हूँ, इसमें ज्यादा बहस मत करो। जो हाईकोर्ट डिसीजन दिया है, सब अंतकरण पूर्वक उसका स्वागत करो और एक अच्छे माहौल बनो। ये क्या है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जैन यही करने का है क्या? जो हुआ है हुआ है। जो यूनिफॉर्म है, ड्रेस कोड है, वो ड्रेस कोड पालन करना, इसे हाईकोर्ट ने कहा, और क्या चाहिए? और छोड़ दीजिए सब। ये जो हिजाब को लेकर हरा हंगामा था, ये शुद्ध रूप से षड्यंत्रों और साजिशों से भरा हुआ था। किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से अलग किया जाए, उनसे अलग काटा जाए, ये कोशिश थी और वो एक्सपोज हुई है। हिजाब पे प्रतिबंध तो है नहीं भारत में, लेकिन जो अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस के अपने ड्रेस कोड होते हैं, डेकोरम होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, उसको सबको मानना होता है। जनरली जो यूनिफॉर्म जो होता है उसको फॉलो करना चाहिए। ये हिजाब तो सब बीच में लाने की कोई जरूरत, रिलीजन के बीच में नहीं लाना चाहिए, उनके लिए नुकसान है ना। अभी आर रेडी टू टेक दैट, इट्स फाइन। पहले था ही नहीं इसको, अभी अचानक नया कुछ लाने की क्या जरूरत है? दैट्स व्हाट आई फील। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा कि ये फैसला भारत का जो सोच है, जो संस्कृति है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ही ये फैसला आया है। ये हमारे पक्ष में फैसला आया, इसलिए हम खुश हैं। ऐसा नहीं है, इसलिए खुश हैं कि बच्चों के बीच में ना किसी चीज़ का ऐसा भेदभाव मन में पालना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। स्कूल कॉलेज ऐसे इंस्टीट्यूशंस शिक्षा के लिए होते हैं और वहाँ कोई किस्म की जाति भेद, संपत्ति भेद, ऊंच नीच का भेद, कौन बड़े कौन गरीब, किसका कपड़ा फटा, ये वो सब नहीं होना चाहिए। अच्छे से सब लोग एक यूनिफॉर्म के अंदर स्कूल में जो है, और कॉलेज में जहाँ यूनिफॉर्म फिक्स नहीं है वहाँ पर नॉर्मल क्लोदिंग में लोग आ जाए। और भारत का संस्कृति यही कहता है हमेशा कि सब एक साथ जियो, अच्छे से जियो। और ग्राफी के जरिए समझेंगे कि हिजाब विवाद का मामला क्या है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब से जुड़ी सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि स्कूल कॉलेज को अपना यूनिफॉर्म तय करने का पूरा अधिकार है। स्कूल कॉलेज जो भी यूनिफॉर्म तय करेंगे वही यूनिफॉर्म छात्रों को पहननी होगी और इसे पहनने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी छात्र स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। जो भी यूनिफॉर्म तय की गई है उसे पहनना होगा, ये कहना है हाई कोर्ट का। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे पहनना भी अनिवार्य नहीं है। तो वहीं कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म पहननी ही होगी। जो भी स्कूल यूनिफॉर्म तय करेगा वही यूनिफॉर्म छात्रों को पहननी होगी और सभी एक समान नजर आए, इसलिए इसका पालन करना जरूरी है। हिजाब समर्थक पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जो भी हिजाब समर्थक हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो हिजाब विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 दिनों तक लगातार इस मामले की सुनवाई की है और सुनवाई करने के बाद फैसला लिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।